धर्मशाला और पच्छाद विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज रहा अंतिम दिन। पच्छाद से 4 जबकि धर्मशाला से 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। पच्छाद से कांग्रेस के गंगूराम मुसाफिर, भाजपा की रीना कश्यप और सिरमौर पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष दयाल प्यारी सहित भाजपा के बागी उम्मीदवार आशीष शिक्ता ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर दाखिल किया पर्चा। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार विजय इंद्र करण और भाजपा के विशाल नहरिया के अलावा 6 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी उपचुनाव के लिए भरे पर्चे। उपचुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की कल होगी जांच। 3 अक्टूबर तक उम्मीदवार ले सकेंगे नाम वापस। 21 अक्टूबर को होगा मतदान, 24 अक्टूबर को की जाएगी मतगणना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर से भाजपा गांधी संकल्प पद यात्रा की करेगी शुरुआत। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 150 किलोमीटर लंबी पद यात्रा का तय किया गया है कार्यक्रम। पुलिस विभाग में कांस्टेबल भर्ती के लिए कल से शुरू होंगे साक्षात्कार। 1063 पदों पर होगी भर्ती। पात्र उम्मीदवारों को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से दी गई जानकारी। स्वच्छता अभियान के तहत हमीरपुर महाविद्यालय में स्वच्छता रैली का हुआ आयोजन। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने रैली को दिखाई हरी झंडी। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सोलन जिले के अर्की में स्कूली बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित। चित्रों के माध्यम से लोगों से यातायात नियमों के पालन का किया आह्वान। प्रदेश भर में शारदीय नवरात्रों की धूम। नवरात्र के दूसरे दिन आज माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की जा रही है पूजा अर्चना। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शक्तिपीठों में प्रशासन ने किए कड़े प्रबंध। ऊंची चोटियों पर हिमपात का क्रम आज भी रुक रुक कर जारी, जबकि निचले क्षेत्रों में वर्षा से तापमान में भारी गिरावट।